केपीपीएन न्यूज़। आइए बात करते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर से। लखीमपुर खीरी की सीएचसी निगासन में बीजेपी विधायक शशांक वर्मा के सामने उनकी मौजूदगी में एक नौजवान की इलाज के अभाव में हुई मौत के मामले में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन के प्रदेश महामंत्री रियाज अहमद मोनू ने एसडीएम सिघासन को ज्ञापन देकर मामले की जांच कराते हुए उचित कार्रवाई करने और मृतक के परिजनों की आर्थिक सहायता करने की मांग की। घटना दो दिन पहले जिले की निघासन सीएससी की है, जहां बीजेपी विधायक शशांक वर्मा की मौजूदगी में एक मरीज फर्श पर तड़पता रहा और की मां इलाज के लिए डॉक्टरों से चिल्लाती रही, परंतु डॉक्टरों ने उसे मुख्यालय रिफर करके अपने कर्तव्यों से अपने मुंह मोड़ लिया। इतना ही नहीं, गरीब महिला को एम्बुलेंस तक नहीं मिली, जिसके चलते चार घंटे बाद वह वहां से रवाना हो सकी, परंतु रास्ते में उस नौजवान ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। कस्बे की एक महिला ने आरोप लगाया है प्रशासन पे, अस्पताल प्रशासन पे, कि उसका बेटा वहीं पे इलाज के लिए फर्श पे तड़पता रहा और चार घंटे तक उसको एम्बुलेंस नहीं मिली, उसकी मौत हो गई। और माननीय विधायक जी भी वहाँ मौजूद रहे, उन्होंने भी नहीं सुनी, क्या कुछ इसमें बयान देना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है निघासन क्षेत्र के लिए। एक बुजुर्ग माँ अपने बेटे को लेकर अस्पताल के फर्श पे पड़ी हुई थी और विधायक जी का वहाँ होना, उसके बावजूद भी डॉक्टरों से बात ना कर कर उनको जिला अस्पताल रेफर नहीं कराना, ये सरकार की विफलता दिखाता है। कहीं ना कहीं चार घंटे से, मेरी जानकारी में था कि चार घंटे से वहाँ पे माँ गुहार लगा रही थी डॉक्टरों से, क्षेत्रीय विधायक से, कि उसके बेटे को एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी जाए, लेकिन वहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था ना होने की वजह से आज उस दुखियारी माँ का बेटा, इकलौता बेटा, उसके पास नहीं रह गया। ये दिखाता है कि सरकार और सरकार के प्रतिनिधि जनता के लिए कितने हिमायती हैं, जनता के लिए कितने वफादार हैं और जनता का दर्द कितना साझा कर रहे हैं, ये आप सबके सामने है। सर, की घटना पर क्या कहना है? देखिए, ये पहला ऐसा दृश्य है जो सामने आ गया है लोगों को, तो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे कई ऐसे दृश्य हैं जो जनता के सामने नहीं आए हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप क्षेत्रीय विधायक थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिस सीएससी पे आप खड़े थे उस वहाँ पे आपको मरीजों का हालचाल लेना चाहिए था, कि ना कि सेल्फी खिंचानी चाहिए थी। और आप नाकामी छुपाते रहिए, कोरोना काल में आपने मदद नहीं करी लोगों की, घर से निकले नहीं, क्योंकि आप आराम देह में रहे, हमेशा आराम गाँव में रहे, और आप बाहर जनता के लिए कभी संघर्ष नहीं किया। और हम चाहते हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है, और कोविड में हम लोगों ने बाहर निकल के दवाइयाँ भी बांटी और इन लोगों ने घर में बैठ के आराम करा है। कोरोना काल में कितने हजार लोग मर गए हैं जो कभी ये उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो लही बात की आज जो दृश्य सामने आया है बहुत ही शर्मसार करने वाला है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। इसके लिए इनकी जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। क्या आप करेंगे इसके लिए कुछ? इसके लिए हम लोग अनशन करेंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये विधायक सोने के चम्मच में पैदा हुए हैं और इनको विरासत में ये राजनीति मिली है। इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया है, विरासत की राजनीति, वो दर्द नहीं जानते हैं कि गरीबों का और मजलूमों का क्या दर्द होता है।